आप सभी का स्वागत है राम कॉन्ट्रैक्टी यूट्यूब चैनल में। आज आपको ग्रेनाइट का जो सिंगल डोर्स रहता है उसका थोड़ा सा डिटेल मिलेगा, जो सिंगल डोर्स में क्या प्रॉब्लम रहती है और क्या इसका कॉस्ट गिरता है, इसका डबल इसमें और इसमें सिंगल इसमें क्या फ़र्क रहता है, वो उसका आज जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। ये देख सकते हैं ब्लैक ग्रेनाइट, जो अपना टेलीफोन ब्लैक ग्रेनाइट रहता है उसका ये डोर्स बनाया हुआ है, जो अपने को 180 से 160 रुपये की रेंज में मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो वो 200 रुपये स्क्वायर फुट से मिल जाता है अपने को। इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले वो बताता हूँ मैं आपको। जब सिंगल पट्टी लगाते हैं, ये 4 इंच की पट्टी लगाई हुई है ऊपर से, ये देख सकते हैं इसमें, और ये पीछे का जो पत्थर है ये 6 इंच का पत्थर है इसका, और ये सामने की 4 इंच की पट्टी है। तो सिंगल पट्टी लगाई हुई है जिसको सीमेंट और रेती माल में फिक्स किया हुआ है इसको, तो इसमें ये छोड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। इसमें अभी डोर्स फिटिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर जब डोर्स फिटिंग हो जाता है तो ये पट्टी को बहुत ही ज़्यादा अपने हवा से अगर दरवाज़ा बंद होता है तो निकलने का ज़्यादा डर रहता है इसका। ये इसको सपोर्ट बहुत ही कम रहता है, इस रेती माल छोड़ देता है इसको अभी लगने से पहले। इसको ये देख सकते हैं रेती माल इसका क्रैक हो गया है, ये देख सकते हैं इसमें ये पूरा जगह छोड़ दिया इसमें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है सिंगल, अगर अपन सिंगल पट्टी में डोर्स बनाते हैं ग्रेनाइट के, तो ये पूरा पट्टी छोड़ दिया, देख सकते हैं अभी डोर भी फिटिंग हुआ नहीं है इसमें। जो रेती माल में फिटिंग करते हैं तो उसका ये प्रॉब्लम रहता है। इसमें कभी भी केमिकल यूज़ कीजिए और केमिकल में अपन फिटिंग करते हैं तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। ये देख सकते हैं सिंगल डोर्स का बनाया हुआ है, ये विंडो में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आता है अगर अपन रेती माल में या फिर सादा सीमेंट में फिटिंग करते हैं तो उसका यही प्रॉब्लम आता है कभी भी। ये सिंगल पट्टी का डोर्स बनाया हुआ टोटल ग्रेनाइट, चाहे उसमें कोई भी हो उसमें रेती और एरोडाइट अच्छी यूज करे उसमें, और एरोडाइट बराबर लगाए उसको पीछे से, जिससे ये छोड़ने का चांस नहीं रहता, और इसी को डबल निकाल के वापस से फिटिंग करना पड़ेगा इसको, इसका ये प्रॉब्लम रहता है। और डबल जो डोर बनाते हैं अपन उसमें ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आता नहीं, और 3 इंच की जो पट्टी रहती है ऊपर की, जो 4 इंच की पट्टी है अपनी, ये कभी भी ये जो ग्रेनाइट है इसके ऊपर चिपकती है तो ये छोड़ने का चांस नहीं रहता इसमें। अब एक फोटो फ्रेम का विंडो बता देता हूँ आपको, फोटो फ्रेम जो बनाते हैं विंडो उसका भी एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। ये सिंगल पट्टी का डोर्स डिजाइन देख सकते हैं, इसमें किचन के डोर्स है ये, और ये किचन की डिजाइन है इसमें, सिंपल सा किचन ओटा बनाया हुआ, सिंगल पत्थर लगाए हुए साइड पत्थर जो रहता है, और ये गैलेक्सी जो ग्रेनाइट आता है उसका बनाया हुआ ये किचन। इसका अभी पॉलिश बाकी है साइड पत्थर का, और सामने से दर्शन पट्टी जो 4 इंच की लगा रखी है इसको 3.5 इंच की। और इसमें सबसे बड़ी गलती है कि इसमें जो कोने में स्टील सिंक दे रखा है वो कभी भी इसको या तो ये साइड में लेना चाहिए कभी भी, या फिर इधर साइड पत्थर के पास में लेना चाहिए, जिसको यूज करते समय अपने को दिक्कत नहीं रहती, और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, प्लम्बर की भी दिक्कत हो सकती है। और ये फोटो फ्रेम का विंडो बता देता हूँ आपको मैं, ये एक फ़ोटो फ्रेम बना रखी है जिसको बाहर की साइड से इसको देख सकते हैं, चैम्बर मारे हुआ है और धार पुलिस किया हुआ, साइड से भी टाइल लगना बाकी है, एलिवेशन टाइल्स लगेगा इसको। ये 3 इंच की पट्टी लगा रखी है जिसको पूरी 18 mm ग्रेनाइट की थिकनेस छोड़ के फिटिंग किया हुआ है, अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है, वही टेलीफोन ब्लैक ग्रेनाइट है ये, एलिवेशन का विंडो है ये इसका, देख सकते हैं इसमें अभी ग्रिल और स्लाइडिंग लगना बाकी है। ये पूरा 18 mm जो ग्रेनाइट की थिकनेस रहती है वो पूरा ओपन है, देख सकते हैं दोनों साइड से इसको। ये एलिवेशन टाइल्स है इसकी जो लगेंगी अभी बाकी है लगाना। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे वीडियो बहुत से हैं जो आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।